नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस दीपावली की पावन पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन सभी लोगों को भी हम धनतेरस की और दीपावली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु से ये और प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि आए, और हमारा जो विकास है हम सभी लोगों का वो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर बना रहे। तो ये जो हम त्यौहार मना रहे हैं दीपों का, तो ये सभी लोगों को मालूम है और नई जनरेशन को भी ये मालूम होना चाहिए कि ये त्यौहार हम दो कारणों से मनाते हैं। एक तो इस त्यौहार में हम माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, ताकि हमारे घर में सुख संपत्ति का आगमन हो। और दूसरा हम है कि मेरा यहाँ प्रभु श्री राम जी का भी आगमन हो। प्रभु श्री राम का आगमन हो ये इसमें जोड़ा गया है। वो कैसे जोड़ा गया है, क्योंकि दशहरा जो हम मनाते हैं उस समय दशहरा में श्री राम दशमी वाले दिन श्री राम ने रावण को वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। और उसके पश्चात 10 दिन लंका में रहने के बाद जब भगवान राम अयोध्या के लिए प्रस्थान उन्होंने किया, तो अयोध्यावासियों को पता चला कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने घरों में साफ सफाई करना प्रारंभ कर दिया और पूरे नगर को दीपों से सजा दिया और मंगल आरती लेकर द्वार पर उनकी अगवानी के लिए वो खड़े हो गए। तो तभी से लेकर आज तक हम सभी लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। ये तो हम भौतिक जगत में भौतिक दिए जला रहे हैं, लेकिन जो मेरा काम है अध्यात्म के तरफ जाना, अध्यात्म में अपना ज्ञान रूपी दिया जलाना, तो ये हमारा एक बहुत ही जरूरी कार्य है, जिससे हमें मुक्ति मिलती भी है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये हम दिया कैसे जलाएं, और ये दिया जलाने के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास। कई लोगों ने कई कई गुरुओं से दीक्षाएं भी ली होंगी और नहीं भी ली होंगी, तो लेने की के बारे में सोच भी रहे होंगे। तो क्या है कि हमें अपने घट में एक दिया जलाना है, जिससे हमारी चेतना रोशन हो सके, प्रकाशवान हो सके। और जितनी हमारी चेतना प्रकाशवान होगी उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली तथा मजबूत भी होगी, क्योंकि मन जो है कि मन वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता, और मन को क्या है कि जब मन की इच्छाएं सारी पूरी होती रहती हैं तो और भी ज़्यादा इच्छाएं करने लगता है, और धीरे धीरे करके मन शक्तिशाली हो जाता है। और आपकी जो चेतना है, और चेतना आपकी यानी कमज़ोर होने लगती है और कमज़ोर होती चली जाती है, और एक दिन ऐसी इस तरह से कमज़ोर हो जाती है कि आपके ऊपर कई चीज़ें निगेटिव शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। और वो निगेटिव शक्तियाँ क्या होती हैं, वो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं क्रोध, अहंकार, काम और मद, ये सब चीज़ें जो हैं वो, और तनाव, चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो ये जो हैं वो निगेटिव शक्तियाँ हैं जो आपके पूरे जीवन भर आपको परेशान करती रहती हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, ऐसी तकनीक चाहिए जिससे हम अपना वो दिया जला लें। तो वो
सारी चीज़ें आपको, अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे सनातन धर्म में मिलेंगी, हमारे वेदों में मिलेंगी, हमारे पतंजलि में मिलेंगी, क्योंकि पतंजलि में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं जो व्यक्ति की पूरी पूरी जिंदगी को बदल के रख देते हैं। क्योंकि जब चेतना प्रकाशवान होती है तो व्यक्ति की जो जीवन जो होता है उसमें भी बदलाव आना स्वाभाविक होता है, उसमें भी बदलाव आते हैं, चेंजिंग होती है। तो इस दीपावली में हमें, अगर हम अपने घर को रोशन कर रहे हैं, हम अपने नगर को रोशन कर रहे हैं, तो हमें अपने अंदर अपने घट में भी एक दिया जलाकर अपने घट को भी रोशन करना पड़ेगा। तो मैं एक ध्यान शिक्षक हूँ और मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घट में दिया जलाइए, एक और वो घट में दिया तब जलेगा जब आप ध्यान करेंगे, भावातीत ध्यान का अभ्यास करेंगे। मेरे कई वीडियो इसमें पड़े हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, उसमें आपको विस्तार से जानकारी दी गई है कि भावातीत ध्यान क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और कहां से हम इसको संपर्क करें। और आप किसी भी शहर से हों, किसी भी जिले से हों, किसी भी राज्य से हों, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको आपके राज्य में ही एक कोई ध्यान शिक्षक, मेरे बहुत से हैं, उन ध्यान शिक्षकों से संपर्क कराऊंगा और आप सभी लोगों को भावातीत ध्यान का जो है अभ्यास वो कराऊंगा। और मेरे ऑनलाइन मेरे एक वेबिनार भी आयोजित होता है मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार को, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर आप अपना दे सकते हैं यूट्यूब मेरे इस कमेंट बॉक्स में, उस व्हाट्सएप पर हम वो लिंक आपका सेंड कर देंगे, उस ग्रुप से ही जोड़ देंगे, तो आपको हमेशा आपको वो लिंक मिलती रहेगी। जब आप चाहें तो आप उस लिंक से जुड़कर जो ध्यान से संबंधित प्रश्न हैं उन प्रश्नों का को हमसे पूछ सकते हैं, उनका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। और आप लोगों से एक नए सब्सक्राइबर जो हैं उन लोगों से और सभी लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से एक आग्रह ये करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ध्यान से संबंधित प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि उन प्रश्नों के आधार पर मैं YouTube पर उनके उत्तर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें और जिससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर YouTube इस वीडियो के जो वीडियो हैं इन्हीं के माध्यम से आपको मिल सके। तो आप सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सके। अंत में आप सभी लोगों को एक बार पुनः दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय।